हे गाइज, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? असर तो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप अपने दिन का शुभारंभ इस वीडियो के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि हैबिट बना लो सुबह का 7 बजे अप्रोक्स 4-5 मिनट का वीडियो रहता है। आप इतना तो देखा, उसमें भी अगर आप 2x पे देखिएगा तो 2-3 मिनट में एकदम पूरा निपट जाएगा। 15 to 20 वो कैप डेली का रहता है, जो कि कलेक्शन करने के बाद ही मिलता है ना। तो बस इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, डिसकंसर्टिंग, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विक्षोभकारी, बहुत ज़्यादा। ये क्रिटिकल हिंदी, देखिए हिंदी ज़्यादा टफ होता है इंग्लिश से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, मेकिंग समवन फील अनसर्टेन या फिर अनकंफर्टेबल, बना देना किसी को, चिंतित कर देना ना, उसको लेकर के डिसकंसर्टिंग का यूज होता है। इम्पेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कुछ करने के लिए ना फोर्स करना, एकदम बाध्य कर देना, उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, ही फेल्ड इम्पेल्ड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, ठीक है ना। बाद में वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मतलब इसके अलावा ना वो बाध्य कर दिया एकदम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, महसूस किया, उसके लिए यूज होता है। डिसर्न जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कठिनाई से किसी वस्तु को देख पाना या फिर पहचान पाना, ठीक है। टू सी और नोटिस समथिंग विथ डिफिकल्टी, उसी को डिसर्न कहा जाता है। जैसे बोलते हैं, डिसर्न अ नोट ऑफ एंगर इन हिज वॉइस, सेंटेंस बहुत अच्छा है। एडजर्नमेंट जो है ना, एक नाउन है, देखो किसी चीज़ के ऊपर पॉज लग जाता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है खास करके, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्लिक जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस और डन इन डायरेक्ट वे में, किसी काम को नहीं करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी ध्यान में रखना है। पोग्रोम, देखो पोग्रोम एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों को ना एक साथ अगर मार दिया जाता है, उसका कत्लेआम किया जाता है ना, ठीक है। खास कर किसी ऑर्गेनाइज्ड क्रूअल बिहेवियर, नहीं सिंपल सा मारना, आप ये प्यार से कौन मारता है, ठीक है ना, बेरहमी से, इसीलिए उसका यूज़ प्रोग्राम के रूप में किया जाता है। कंटेंशियस जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अगर विवाद ग्रस्त या फिर आर्गूमेंट, एकदम सिंपल से ये समझ लेना, झगड़ा वाद विवाद के लिए इसका यूज होता है ना, ये अक्सर देखने को मिलता है। ग्रीवेंसेज जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट अगर कंप्लेन करते हैं या फिर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो ग्रीवेंसेज का यूज हम लोग कर सकते हैं। इनडोर्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खास करके पब्लिकली रूप से अगर किसी का अगर आप सपोर्ट करते हैं ना, समर्थन करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए इनडोर्स का यूज होता है। जैसे मेंबर्स ऑफ ऑल द पार्टी इनडोर्स अ बैन ऑन द फायर आर्म, इस सेंटेंस भी आप लोग बना कर यूज कर सकते हैं। वीप अप जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डेलिबरेटली एक्साइट और प्रोवोक समवन, मतलब जानबूझ कर किसी को नुकसान देना, एकदम पता है कि हाँ ऐसा कांड कर रहे हैं ना, ठीक है, उत्तेजित होना एकदम जानबूझ करके, एकदम है ना। गाइस सेशन अच्छा लग रहा है ना, जो इसको शेयर करें चैनल पे पहली बार, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट है कन्फ्लैग्रेशन, एक नाउन है जिसका मतलब है सिचुएशन इन विच देर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस या फिर डिस्ट्रक्शन, में कैसा परिस्थिति आ जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वायलेंस वगैरह होना शुरू हो जाता है ना, उसके लिए इसका यूज होता है। डिसकंटेंट जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है ना, अनहैप्पी है ना, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, द मैनेजर कुड सेंस ग्रोइंग डिसकंटेंट अमॉन्ग द स्टाफ, सेंटेंस भी बहुत अच्छा है, आप लोग समझ सकते हैं। एलैक्रिटी जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस या फिर ईगरनेस, खास करके ना अगर बहुत ज़्यादा जोशीला इंसान है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्साह वाले, ईगरनेस, उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विथ एलेक्रिटी, मतलब बहुत ही उत्सुकता के साथ ना, ठीक है, उसने इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया। डोमिनेंट जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो पावरफुल रहता है ना, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, हिज मदर वाज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ, मतलब उसकी माँ का ना उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है, ठीक है, सेंटेंस भी बना सकते हैं। परसीव जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब, देखो यहाँ पे दो दो सेंस में इसका मीनिंग निकलता है। एक तो किसी को रियलाइज करना, फील करना, देखना एकदम, है ना, या फिर उसी से थोड़ा सा और अपडेट करके, तो किसी चीज़ को ना समझना किसी खास तरह से, जैसे बोलते हैं आई परसीव्ड हिज कमेंट एज अ क्रिटिसिज्म, मतलब उसका जो कमेंट है ना क्रिटिसिज्म के रूप में, के दृष्टिकोण में ना, मतलब दिखने को ऐसा लग रहा है, ठीक है, सोचने पे मजबूर है, समझना एकदम, उसके लिए इसका यूज होता है। कन्वेन जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कम टुगेदर, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर मीटिंग, के लिए अगर लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं ना, जमा करते हैं ना, तो उसके लिए कन्वेन का यूज करते हैं। तो क्या ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताएं। और सक्सेस हैकिंग पे जितना भी वीडियो आता है ना, सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं कुछ है नहीं, जो रियल में बच्चा फेस करता है उसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। तो चल आप लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। चले बाय बाय, टेक केयर।